रहा है एक्यू ट्रेडर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम यूएसडी आईएनआर का वीकली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे आगे यूएसडी आईएनआर किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा कि आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले हमारे मंथली चार्ट पर। यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में आप देखिए कि मंथली चार्ट में जो क्लोजिंग है पिछले महीने के लो से नीचे क्लोजिंग चल रही है, तो ये हमारे लिए एक बियरिश व्यू है। दोस्तों वीकली चार्ट में आप देखिए कि यहाँ एक बड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा था, जाने की कोशिश कर रहा था, पर इन दो बड़ी कैंडल्स को आप देखिए कि कितनी तेजी से ये नीचे आया और इस कैंडल का हाई जो 75.89 बनता है, इस कैंडल के हाई को भी ये चेज नहीं कर पाया। और आप इन दो कैंडल्स को देखेंगे दोस्तों, जो लास्ट की 2 वीक्स की कैंडल है, तो इस कैंडल का हाई 75.63 है और इस कैंडल का लो 74.58 है। यही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी के लिए बनता है, क्योंकि दोस्तों ये कैंडल हमें ये बताती है, जो इसमें ऊपर की तरफ शेडो बनी है, कि यहाँ एक अच्छी सप्लाई है, और ये कैंडल हमें नीचे की तरफ जो शेडो बनी है, विक बनी है, ये हमें बताती है कि नीचे की तरफ एक डिमांड है। तो अभी यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स इस सप्लाई और डिमांड के बीच में, वीकली सप्लाई और डिमांड के बीच में फंस गया है। दूसरी बात दोस्तों, एक हिस्टोरिकल डेटा से हमने एक डिमांड जोन बनाया है। डिमांड जोन बनाने का तरीका ये होता है, जो मैं यूज करता हूं, कि एक रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जिसने उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो इस रेड कैंडल में जो भी डिमांड है, जो भी बुल्स का पार्ट है, वो हम डिमांड जोन की तरह यूज करते हैं। जैसे इस रेड कैंडल में नीचे लो से लेकर इसके यहां तक एक इसका बुल्स का पार्ट बनता है, तो हम इसको इस तरह से डिमांड जोन की तरह ट्रीट करते हैं। इसके ओपन से इसके लो तक का डिमांड जोन की तरह ट्रीट करते हैं। और दोस्तों यदि इसका लो, अगर हमारी इस वीकली कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो अगला सस्टेन ये इस डिमांड जोन के अंदर ही लेगा, ऐसा हमें लगता है। अब दोस्तों डेली चार्ट में देखते हैं, तो डेली चार्ट में ये हमने डेली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है। डेली ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे, रेजिस्टेंस का काम, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है हाई पे, ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब दोस्तों अगर ये ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, तो ये ट्रेंड लाइन पे एक रेजिस्टेंस लेगा, नीचे की तरफ ये एक सपोर्ट, नीचे की तरफ एक ये डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों आवरली चार्ट में आप देखिए, आवरली चार्ट में दोस्तों मैं इस डिमांड, दो दिन मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूं, डेटा के बाद थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। डेटा में आप देखेंगे दोस्तों, लास्ट वीक में दो दिन आपको चेंज इन ओआई में 113,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नजर आया। ये हमने अपने ट्विटर पे भी लिखा था कि ये बिल्डअप नजर आ रहा है, वो भी उस टाइम पर, करंट मंथ के एक्सपायरी में बिल्डअप नजर आ रहा है, वो भी उस टाइम पर जबकि हमारा रोल ओवर का वीक चल रहा है। तो ये बिल्डअप लोगों को यहाँ पोजिशन अनवाइंड करके अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए पोजिशन को रोल ओवर करना चाहिए। ऐसे समय में यदि इस करंट मंथ में भी बिल्डअप आ रहा है, तो इसका क्लियर मतलब यही निकलता है दोस्तों कि इन लोगों के पास एक व्यू है, वो जानते हैं कि ये किस तरफ जा सकता है और उसके लिए उन्होंने एक बिल्डअप जनरेट किया है। तो अगर हम इस बिल्डअप को ध्यान में रखें और 22 और 23 की ट्रेडिंग देखें, तो आपको जो वॉल्यूम कैंडल्स हैं दोस्तों, वो बुलिश की तरफ नजर आती है। इसका मतलब जो ये डबल बॉटम बना है, ये डबल बॉटम कहीं ना कहीं सस्टेन करेगा और अभी यूएसडी आईएनआर इसके नीचे ट्रेड नहीं करेगा, ऐसा हमें लगता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया वीकली कैंडल में ये जो इस कैंडल का जो लो है, जो लास्ट कैंडल बनी है, इसका जो लो है, वो सपोर्ट की तरह, एक अच्छे सपोर्ट की तरह अभी काम करेगा और यूएसडी आईएनआर अभी उसके ऊपर ही ट्रेड हमें करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों कुल मिला के कहानी ये समझ आती है कि यूएसडी आईएनआर इस डेली ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग स्क्वीज होता जा रहा है, नीचे डिमांड जोन बनता जा रहा है। तो अभी यूएसडी आईएनआर इस रेंज के अंदर स्क्वीज करने वाला है और जिस भी तरफ का ये ब्रेकआउट देगा, उस तरफ में ये एक अच्छा मूव दे सकता है, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे डिमांड जोन की तरफ। तो दोस्तों इन दोनों डेटाज को मैंने ध्यान में रखा हुआ है, इन दोनों डेटाज में किसी भी तरफ का ब्रेकआउट आता है तो अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। इसके बाद मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखा देता हूं। ऑप्शन चेन में भी दोस्तों, करंट मंथ की ऑप्शन चेन है ये, इसमें भी आप देखेंगे तो बिल्डअप जो है वो कॉल साइड में 25,000 के लगभग बिल्डअप कॉल साइड में 74.75, 75 और 75.25 की स्ट्राइक्स में
नजर आ रहा है। और अब अगर आप पुट की तरफ देखेंगे तो आपको 74.5 में और 74.75 में बिल्डअप एक अच्छा नजर आता है, 75.25 में भी एक बिल्डअप नजर आता है, लेकिन देखना होगा कि ये 75 के जो कॉल राइटर्स हैं वो इसको ऊपर की तरफ आने देंगे या नहीं। दोस्तों अगर स्ट्रेडल की बात करें तो स्ट्रेडल अभी 20 पैसा और 9 लगभग 30 पैसे पे 74.75 का स्ट्रेडल जो अभी एट द मनी स्ट्रेडल है वो ट्रेड हो रहा है। 75 का स्ट्रेडल भी लगभग 34 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों अगर 74.75 के स्ट्रेडल को ध्यान में रखें तो 30 पैसे की रेंज ऊपर और नीचे बनती है, जो कि हमारे एक वीकली कैंडल के भी हाई और लो के लगभग बनती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये 74.75 का जो स्ट्रेडल है ये अभी पैसे देगा इस महीने में, इस वीक मंथली एक्सपायरी के लिए ये हो सकता है पैसे दे और आगे ट्रेडिंग उसके अलावा दोस्तों अगर 27 अगस्त का आप देखेंगे, 27 अगस्त के ऑप्शन चेन देखेंगे तो 76 की स्ट्राइक में और 74 की स्ट्राइक में पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो इससे हमें 74 टू 76 की रेंज एक वीकली एक नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने के लिए इतना ही था कि अभी हमें यूएसडी आईएनआर एक रेंज में, एक स्क्वीज रेंज में ट्रेडिंग करता हुआ नजर आता है। जिस भी रेंज की तरफ ये ब्रेकआउट देगा उस तरफ ये एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अभी हम वेट करेंगे कि ये किस तरफ का मूवमेंट देगा और मीनवाइल ये 2-3 दिन अगर यहाँ ट्रेड करता है तो ये 74.75 की वैल्यू का पैसा लगभग शॉर्ट स्ट्रेडल में ट्रेडर्स अर्न कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं theacutetrader@gmail.com, आप हमें फॉलो कर सकते हैं @acutetrader। थैंक यू।